رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو گئے پرے گئے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو گئے سبق پڑھ پھر صداقت کا شرافت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جگہ چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے گئے اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اجدی با برکت با مقصد عالی وقار حسین بزم قبول و منظور فرمائے اس مقدس نشست دی بدولت اسلام نو غلبہ مسلماناں نو عزت و وقار اور اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے مادر وطن پاکستان نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے جس جس نے اپنے عہدہ اور منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس دھرتی ماں نو لٹیا قوم دا خون پسینہ چوسیا عقیدہ ختم نبوت تے شب خون ماریا حضور دے دشمنانوں مادر وطن دے غدارانوں فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا اللہ کریم ہر اس ناپاک غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے انجمن غلامان مصطفیٰ اور اہالیاں نے ڈھوک کھانا دے جملہ منتظمین و اراکین و سرپرستگان تشریف فرما صدر گرامی قدر مہمانان عزی وقار معزز علماء و مشائخ قریب دور تو
आन वाले उशाकान रसूल मुहिब्बान आले बैत। ग्रामी कदर बुजुर्गो, दीन इस्लाम आलमगीर दीन, कामिल दीन, अकमल दीन, जामे दीन, एक ऐसी हसीन थ्योरी है जिदे प्रैक्टिकल दा नाम है मुसलमान। मुसलमान अगर दौरान इबादत मोमिन होवे, दौरान तवाफ काबा मोमिन होवे, दौरान जियारत रौज़ा अतहर शरीफ मोमिन होवे, रुकू सुजूद विच मोमिन होवे और उदे मुआमलात व मामूलात दीन दे मुताबिक न होवन, वो जिस पार्टी, जिस कबीले, जिस मसलक, जिस भी वो सिलसिले नाल ताल्लुक रखद, चिट्टा नंगा मुस्तनद मुनाफिक है। मोमिन वो होंद जिन्हों पल पल इस बात का एहसास होवे और होना चाहिए कि मैं जिस दीन नाल जुड़िया, मैं इस दीन नाल जुज वक्ती नहीं कुल वक्ती हाँ, और इस बात को शिद्दत नाल महसूस कर लेना चाहिए। कोई देवबंदी होवे, कोई वाबी होवे, कोई सुन्नी होवे, कोई चकड़ालवी होवे, बकड़ालवी होवे, जेई जेई बलावी होवे, कि वो इस्लाम नाल मजबूर हो के चल रहे या मुतमैन है। अगर वो मुतमैन है तो फिर उन्हों अपने अतवार, अपने अकदार, अपने मुआमलात दीन दे ताबे करने पैणगे। अगर वो मुतमैन नहीं है कि रोजी दे अड्डे ते हो रहे, तिजारत दे मामलात च हो रहे, सियासत दी कुर्सी ते हो रहे, ओहदा मनसब दी नशिस्त ते हो रहे, मौलवियां विच हो रहे, पीरां विच हो रहे, ताजरां विच हो रहे, पोलिटिकल लीडर विच हो रहे, तो फिर उस बेहया और बदबख्त नू इस दीन तो किनारा करके किसी ऐसी थां जाना चाहिए जिथे कोई हदूदो कयूद ना हो, वरना वो मौलवी होवे या पीर, वो ताजर होवे या बिजनेसमैन, वो पोलिटिकल लीडर होवे या मिलोनर, उदे मुआमलात अगर दीन दे मुताबिक नहीं, वो महसूस करे या ना करे, वो बराह रास्त दीन दा नुकसान कर रहे है। ते जदों दीन नू असी इस अंदाज च लवांगे, इंजॉय करांगे, ए ठीक है ले लई गल, ए क्योंकि हुण मेरी जात ज़ादे च आ रही है तो मैं आखा नहीं जनाब ये मौलवियां दी गल है, जदों मेरे ते को मामला आवे उदों मैं आखा नहीं जनाब इहदे विच ए राह भी हो सकती है, यह भी हो सकती है। फिर वो याद रखो कि इस्लाम नू नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है। जाहिर है इस्लाम एक जामे दीन है, और एक गल तुसी मनो या ना मनो, बकायदा तौर पर यहूदो नसारा दी इन्वेस्टमेंट विच ओ पीर ते मौलवी शामिल ने कि जिन्हां दीन नू सिर्फ इबादत तक महदूद करके आख्या, बस उहदे विच गद्दी नशीन भी शामिल है और उहदे विच इस्लाम दा मुबल्लिग भी शामिल है, वो जिहड़ा सारिआं नूं लॉलीपॉप दे रहे हैं। दीन बड़ा क्लीयर कट दीन है, उहदा रिजल्ट की निकल रहा है कि आलम कुफर ने बड़ी जामे हिकमत अमली नाल उम्मत मुस्तफवी नूं बुजदिल बना के बंद गली च दाखिल कर दिता है, और उन्होंने आख्या कि जनाब इनू अपना मोहताज बना लो, और उम्मत बन चुकी है। तुसी अंदाजा करो कि उन्होंने मुआमलात तू कि साडे किरदार के मामले ते वो मुतमैन ने, लेकिन उन्होंने ये परेशानी है कि ये उम्मत जो अपना टुटा ताल्लुक कुरान नाल जोड़ लेगी फिर साढ़े हाथ नहीं आएगी। तू हमीदा नहीं के आईने तू चीस्त, जेर गिरदू सिर तमकीने तू चीस्त। इकबाल फरमा देने तेन पता नहीं है भाई तू जड़ी किताब इनकलाब नाल जुड़े हो केड़ी शायब है, और आसमान दे साये तले तेन केड़े केड़े राज दस के वो तेरी जिंदगी दे हसीन राज नाल जोड़ के तेन कामयाबी वल ले जाके इत्मीनान और तस्कीन और कामयाबी तेरे कदम च रखना चाहती है। कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत इमाम अशाह अहमद नूरानी सिद्दीकी अलैहि रहमत वालिद गिरामी
पाकिस्तान दे पहले इस्लामी सफीर और हजरत मुहम्मद अली जनाह दे करीब दोस्तों चो आप फरमाते ने शाह अब्दुल अलीम सिद्दीक की मेरी थी अले रामा के मैं यूरोप गया और मेरी मुलाकात हुई बरनार्ड शाह नाल। मैं उन्होंने पूछा तेरे नजदीक सब तू चंगी शह केड़ी है, उस आख्या इस्लाम। ते मैं क्या तेरे नजदीक भैड़ी शह केड़ी है, उस आख्या मुसलमान। चंगी शह केड़ी है इस्लाम, ते भैड़ी शह है मुसलमान। हुण तुहानू भी पता है गुस्सा तुहानू भी नहीं आना, मैनू भी नहीं आना, क्योंकि सानू पता है उन्हें गल साड़ी कीती है। चलो तेरे तुहाडे जो जिहड़े महसूस करन उन्हें कढ़ के मेरे ते ला दे, गल उन्हें साड़ी कीती है कि सिख नू आखो करोड़ा रुपए हाजिर ने पगड़ी जरा रात ला दे, आंदे मैं थुकदा नहीं तेरी दौलत ते। हिंदू नू आख जरा अपनी कृपान तू तवज्जो हटा, अपनी अपनी इस छुरी तू तवज्जो हटा, अपनी फिक्र तू, अपने मंदिर तू, गिरजे तू। यहूदी नू आखो सनागाग तू, आंदा मैं थुकदा ही नहीं। तो मुसलमान नू बाहर खड़े होकर कचहरियां चाखो गवाही देनी, उन्हें कहना जनाब किनिया चाहिए। महसूस ना करना मुल्तान तू परे दी गल, खुर्द मुल्तान नहीं वड्डे मुल्तान तू परे दी गल कर रहा, एवं दिल ते ना ला जाना। तवज्जो है कि नहीं? थोड़ा जो होर हौली बोलो, कफौत ही ना हो जाए थोड़े तो। मतलब ये है भी सानू जिहड़ी शह मर्जी अखवाओ। ओए जनाब मौलवियां दी गल है, कोई बात नहीं जी। अगर तुसी मौलवी नू क्रिटिसाइज करके उन्हूं अनपढ़ आख के इलिटरेट आख के मुतमैन नू, तो इंजॉय कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर महसूस ना करो तो एक मैं छोटी जी गल तुहानू अर्ज करां कि जो पूरे पाकिस्तान दे गुलामा ने रसूल और उशाका ने रसूल कुरान नू जला के जदो उम्मत दे कलेजे च सट मारी गई, उदो मिल्लत इस्लामिया दे अफराद कुरान दे अजमत दियां रैलियां निकाल के सड़कां ते फिरदे सन। ते कुछ तबके ऐसे भी ने जिहड़े इमरानी चौखट ते इस वेले जबीने नियाज झुका के पए ने, और कुछ ऐसे सन जिहड़े बकायदा तौर दे उत्ते ऑपरेशन करवा के आने वाली एक ढाई महीने बाद बीबी साहबा की जलवागरी की एक झलक वेखण लई लूसी कुत्ते तरह एयरपोर्ट के आस पास फिर रहे सन। मैनू दसो भाई उस दौर के अंदर अगर कोई आखे मौलवी स्टेज उत्ते बह के की कर रहा है, तो दस होर तेरे प्यो की मैयत ते गल करिए। थोड़ा जो होर हौली बोलो, को परेशान ना हो। यानी जदों मेरे तेरे ताल्लुकात कुरानो हदीस तू भी भारे हो जान, तो फिर उस दौर की उम्मत नू केड़े पासे ले जाओगे कि जो मैं कह दिता है वो ठीक है, जो मैं कर रहा वो ठीक है। इस तू वड्डी होर उम्मत दे उत्ते केड़ा मौका आएगा कि जदों आलमी दुनिया बकायदा सरकारी सरपरस्ती अंदर ऐसे ऐसे कम करके पूरी उम्मत नू चेक कर रही है, को गैरत दा मादा है या मुक चुके हैं उस दौर च, और बकायदा तौर दे उत्ते इना ए जड़े रूट है ने इना दे उत्ते पीर मौलवी बहुत सारे शामिल भी नहीं, और जड़े अपनी हदूदों कयूद बना के बैठे ने कि साढ़े मामले दे विच तुसी मुदाखलत नहीं करनी। लेकिन मैं उस दीन दी गल कर रहा जिस दीन दे उस बानी और जिस दीन दे उस अजीम रहनुमा ने खुद इरशाद फरमाया, लोगो अगर एक कबीले बड़े कबीले दी औरत दी थां ते फातिमा बिनत मुहम्मद भी होंदी, मैं हाथ कटण दा हुक्म देंदा। मैं उस दीन दी गल, यानी जिस खातून दी कदमा दी धूल चू कयामत तक मेरी तेरी मां बेटी भैन नू इज्जत इफ्फत असमत तहारत मयसर आनी है, ओदी मिसाल दे के पाक पैगंबर ने इतनी बड़ी बात इरशाद फरमाई है। ये है जामे दीन, इहदे विच कोई ढकी छुपी गल है ही। लेकिन जो जीन दीन तेरी मेरी मर्जी दे उते होएगा, और फिर कोशिश होएगी मेरा कबीला उच्चा, मेरी ब्रादरी उच्ची, मेरी फैमिली उच्ची, मेरी पार्टी, मेरा मसलक, जो असी इन्हां दा दिफा करांगे फिर दीन नहीं बचना। फिर दीन ओदी वजह है कि इनकलाब ते आना ही है रब ने इनू कायनात, लेकिन जे साडे मरण तो बाद रब ने इनू गालिब फरमाना है तो हिकमत है, उन्हें ऐलान किया है। लेकिन साडी बदकिस्मती केड़ी हो सकती है कि असी अपने किरदार नाल दीन नू कमजोर करिए। मैं तो बकायदा तौर पर ऐसे मंजर भी वेखे ने जिथे बाबा जी सूफी साहब हाजी साहब बकायदा फजर दे नमाज वेले पूरी तहज्जुद नमाज पढ़ी, फिर नमाज पढ़ी, फिर उस तो बाद कुरान दा सिपारा पढ़ के तस्बीहां पंज सत फेर के फिर ताजी गां मज चो के पंज किलो दा अठ किलो दुध बना रहे।
हौली हौली बोलो। मैं तुहानूं पहले आख्या दिल ते ना लाना, मैं वड्डे मुल्तान तो परे दी गल कर रहा, तुसीं अपने दिल ते ला रहे हो करमा लिओ। हौली हौली बोलो भाई। जेड़ा हाजी साहब 8 किलो नूं 10 किलो बना रहे है, 8 किलो चो किन्ने बचने लभने सन 800, ते 200 होर शामिल करके हाजी होरां विच 200 नाल उस 800 नूं भी हराम कर दिता। जाग रहे हो? यानी हाजी होरां ने नमाज भी नहीं छड़ी, तस्बीह भी पूरी गेड़ी ने, सिर्फ मेरे जल से सुभान अल्लाह हौलिया कि ने, बाकी हाजी होरां काम पूरा पाया। तो फिर हाजी होरां की कह रहे ने, सुबह सुबह साड़ी पंजाबी सरेकिए चाहते नूर पीर दे वेले हाजी होरां खालिस दुध विच कार रवाई पा के 1000 विचों उन्होंने 200 होर विच शामिल करके उन्हें सारे नूं आराम करके ते मुड़ के आंदे ने, नवाज शरीफ जिहा बेईमान है ही कोई नहीं, जरदारी जिहा बैड़ा है ही कोई नहीं, हजरत ख्वाजा पीर मुहम्मद इमरान खान साहब आस्ताना आलिया बनी गाला शरीफ जिहा बैड़ा है ही कोई नहीं। हौली हौली बोलो। हौली हौली मैं इस वास्ते ना ले हूँ क्योंकि मौलवी तो पीर भी उन्होंने नाल तालुक जो जोड़ ले तो मुड़ वड्डे पीर ने नए। जाग रहे हो कि नहीं? अच्छा तो तुम दसो भी जेड़ा बंदा अपनी सुबह का आगाज इंज कर रहे है वो केड़े मुंह नाल उन्हां दे बारे च भैड़े जुमले बोल रहे। असी जदो अपने आप नूं दुरुस्त करांगे फिर माशरा ऑटोमैटिकली ठीक होंदा जाएगा। ते मोमिन होवे जिहड़ा अपने आप नूं दुरुस्त करदा है फिर वो माशरे अंदर उहदे किरदार दा उहदी बरकत और उहदी असरात मुरतब होंदे ने। ते उम्मत मुहम्मदी इस वेले पिसदी 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 पिस चुकी, चंद मुट्ठी भर यहूदी पूरी दुनिया ते कंट्रोल कर चुके ने, साडे कोल कोई शै नहीं। और फिर उन्हें बड़ी तकनीक नाल आखे, पागल हो गए हो मेहराबो मिंबर वाले हो मौलवी हो, तुहानू पता नहीं तिजारत किहदे कोल, सियासत किहदे कोल, सिस्टम किहदे कोल, यानी हर शै मशीनरियां दे ताबे हो चुकी है। उम्मत नू मेहराब मिंबर नू कमजोर करके उन्हें टेक्नोलॉजी नाल हर शै जोड़ी होंदे ने। मौलवी नू पता ही नहीं है चवल नू जायल नू, अमरीका एक एक बेड़ा ऐसा भेज दिया जिदों तो 400-400 जंगी तैयारा उतर सकता है, उत्थों बैठ के ड्रोन सुटदा है। ते अहमद जवाहरी काबल की खिड़की चो बाहर मुंह कड़े उन्हें उत्थों बह के भुन के रख दिता है। इत्थे उसामा बिन लादन एबटाबाद सुता सी, रात में उन्हें हैलीकॉप्टर के जरिए चुक लिया, तुहाडे रिडार नूं भी पता नहीं चल सकिया। पागल मौलवी हो, अपना काम करो मौलवी आला, तुसीं मुसल्ले ते बवो, तुहानूं की पता टेक्नोलॉजी की है, साडा तालुक बंद कर देंगे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहना कि असीं उन्हां दोस्तां कोल पुछ सकने आ रिस्क देवण वाला अल्लाह या अमरीका? हौली हौली बोलो। हौली बोलो। इज्जत देवण वाला अल्लाह या अमरीका? जिहड़ा बंदा चुप है थोड़ी जी देर मुंह तले रखे, अल्लाह करो उहदा वीजा लग जाए, असीं ते मोमिनां नाल मुखातिब है ना। तुसां दसो भाई जदों सब कुछ देवण वाला अल्लाह है, ते इह गल सानूं किन अमरीकियां दसणी है या हिंदुआं या सिखां दसणी या सब मोमिनां दसणी है दुनिया नूं? रब रसूल वाले ते सियां ते जदों असीं प्रैक्टिकली दसांगे लफ्ज़ां दी तकरीर ते मैं भी लच्छेदार कर रवांगा, तुसीं सुभान अल्लाह भी सुन के आख रहे हो, तुसीं भी माशाल्लाह तशरीफ ले आए हो, लेकिन जदों तू ते मैं प्रैक्टिकली अपने आप नूं इस्लाम नाल जोड़ के साबित करांगे, मतलब मैं अपनी गल करना, मैनूं पता होवे ख्वाजा मुहम्मद शहबाज शरीफ साहब, हज़रत ख्वाजा मुहम्मद इमरान खान साहब, हज़रत पीर आसिफ अली जरदारी साहब मेरे नाल मुखलिस ने, मैं एक साल दे रोजे रखण वास्ते भी तैयार हाँ, मैनू पता है मेरा मुल्क कमजोरी है छे, लेकिन मैनू पता होवे भाई मेरा ओ मेरी वैक्सीन दे भी पैसे वट के बाहर दे मुल्क जमा नहीं करांगे, ते असी ते नाल आ कौम, लेकिन कौम नू पता ते होवे। लेकिन मैं कदे कदे हैरान होना कि जेड़ा मुल्क कर्जिया च डुब चुके और जिन्हां डुबोया है ते जेड़ी कौम उन्हां दी गड्डियां अगू भी बांदर तरह नची, वह कई भला है वो कौम है के बांदर है, पता भी ये कौन बर्बाद कर रहे हैं। तुसी दसो भाई अल्लाह ना करे तो आड़े मेरे घर च साडे कोल बजट होवे 10,000 दा ते महीना पे होवे पूरा, रोजाना मच्छी खान ते तला गंग जावांगे ना, यमिया वाली टुर जावांगे ते गड्डी भी वड्डी ले जावांगे, इंज ही है ना। फिर की करांगे? फिर असीं आखांगे नहीं असीं गड्डी यूज नहीं करदे, बाइक यूज नहीं करते, पैदल चलिए चलो, ये वे के जरा थोड़ा जहा मिर्च मिसाले घटा के सादगी नाल गुजारो ताकि महीने तो पहले कितने पागलों तरह भीख ना मंगनी पवे। तो मेरे मुल्क कोई शह नहीं पई,
ਤੇ 100-100 ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੂ 50-50 ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੋਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾ ਫਰਮਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਮਖਦੂਮਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ 11 ਵਜੇ ਟੀਕਾ 35 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਕੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੁੜ ਤਾਂ ਸਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਨੱਚ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰੋ ਨੂੰ ਆਖ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਘੱਟ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਤਿਲਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਇੰਝ ਚਲਾਈਆਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਪਾਟ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਇੰਝ ਬਣੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਤੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਾਲਾ ਘੱਟ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਬੇਗੈਰਤ ਜਾਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕਮੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਲੰਡੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਆਂਟੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਫਰ ਦੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੱਚਣ ਗਾਵਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਕਾਓ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਸੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਸਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸ ਗਏ, ਹੁਣ ਫਸੀ ਫਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਾਖਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸੁਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਉਣਾ ਸੁਜਿਆ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿੜਿਆ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇੰਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕੋ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਨਾ ਢੋਕ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਖੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਓ, ਅੱਬੇ ਹੋਰੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੇਖੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਅੱਬਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਗਿਆ ਸੁਝਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਹੜਾ ਖਿੜਿਆ, ਇੰਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਵਣ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਫਰਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਅਸਾਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੁਤਮੈਨ, ਈਸਾਈ ਮੁਤਮੈਨ, ਯਹੂਦੀ ਮੁਤਮੈਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਮੌਲਵੀ ਪਾਗਲ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਰਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇਵਣ, ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਨਾਲ 'ਚ 200-200 ਮਣ ਗੰਦਮ ਹੋ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜੀਏ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਗਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀੜ ਹੋਵੇ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਡਾਕਟਰ ਆਵਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲਿਆਵਣ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮੁੜ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ 20-20 ਕਨਾਲ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 5-5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈੱਡ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮੁੜ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ, ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਯਹੂਦੀ ਸਾਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਲਕਾ ਮਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਦੂਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਆਈ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਆਈ, ਅਤੇ ਤਾਜ 'ਚ 2 ਮੋਤੀ ਕੀਮਤੀ ਹਨ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੋਤੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਪਾਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਪੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੱਕੋ ਡੱਕ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10 ਬੱਚੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਹਿਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ? ਬਸ
जबकि इस्लाम का फलसफा है नहीं, असाने इस्लाम नु सामने रखो, कसम रब्बे काबा दी, इस्लाम वाहिद दीन है, इस्लाम वो जामे दीन है, जेड़ा तू गल कर इस्लाम तेनु रहनुमाई नजर नजर करदा नजर आएगा। थोड़ा जो होर हौली बोलो, ताई जो परेशान ने इस्लाम दी गल जदों आंदी है ते इस्लाम लई प्रैक्टिकली नमूने कायनात च मुस्तफा दी तरबियत ने बकायदा रखे ने, उन्हां दे उत्ते कयामत तक मुस्तफा दे दीन नु नाज़े। तुसां जेड़ी को बड़े तो बड़ी कामयाबी दा उसूल भी ले आओगे, अल्लाह दी इज्जत दी कसम, अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, हसनैन हो, तलहा हो, जुबैर हो, अली दे किरदार विचू तेनु नूर मिलदा होया हमेशा नजर आएगा, फिर तू आखण ते मजबूर होवेगा ये शान है खिदमतगारों की सरदार का। खालिके कायनात फरमा रिया हो वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल्हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। अल्लाह ने महबूब दे दीन नु कायनात ते गालिब फरमाना है, वादा रब ने कीता है, हुक्म रब्बी है, ऐलान खुदावंदी है। जदो मोमना दा किरदार जलवत खलवत सच्चाई नाल होवेगी, जदो झूठ तो नफरत होवेगी, जदो फरार ते धोखे तो कौम दूर होवेगी, जदो बदनिगाही तू, बेहयाई तू, बदकारी तू, अय्यार तू, अय्यारी तू, चोरी चकारी तो, जदो मोमिन बच जाएगा फिर मोमिन नु जनाब बसा तू मुसाफिर उतार के तबलीग करन दी लोड़ नहीं पैनी, मस्जिदां दे बूहे च खड़े हो के नमाज निकलन लगिया तबलीग करन दी लोड़ नहीं पैनी, फिर मोमिन दाता अली गजवेरी खाजा अजमेरी तरह मेरे अली तरह ये टुरदा जाएगा, लोग मुस्तफा दे दीन दे नाल जुड़दे जावनगे। ए तेरे मेरे ते डिपेंड करदा है, आओ आलमी इस्तेमारी कुव्वतां नू दसीए, उन्हां नू आखीए असा अपने कुरान नाल जुड़ी हुई हां, असा खैर भी कुरान तू लईए लैनी है, बरकत कुरान तू लईए लैनी है, इज्जत कुरान तू लईए और लैनी है, साडा सब कुछ कुरान है। जदों कुरान नाल जुड़ जाओगे यही ते वजह है, अज जदों यूरोप पिट चुके आए, अज यूरोपी दरिंदे जनाबे वाला जदो हवास खो चुके ने, वो परेशान ताने, उना दिया बच्चिया गैर महफूज ने, उना दिया मामा ओल्ड एज होम, पुत्रा दिया धिया दिया रामा वेख रहियां ने, उत्थे दी मां विचारी बच्चा पैदा भी कर दी है, उस बच्चे दी निगहदाश्त लई कदे पिज़्ज़ा डिलीवरी करेगी, कदे शवारमा बर्गर डिलीवरी करेगी, इत्थे मलका बन के घर च मां बैठ दिए, मेहनत करन वाला, मजदूरी करन वाला, अपनी बेगम नू मलका, अपनी मां दे कदमा तले जन्नत भैन बेटी दी तरबियत करके दसदा है, मैं मजदूर गरीब जरूर हां मगर बेगैरत नहीं हां, इस्लाम होवे जेड़ा कदम कदम ते तेरी मेरी गैरत दा मुहाफिज है, इज्जत दा मुहाफिज है, अजमत दा मुहाफिज है। आओ अपनियां नस्लां दा जे तहफ्फुज़ चाहुंदी हो फिर जरूरी है कि अपने बच्चिया नू घुटी च दसीए, समाजी निजाम ते मुहाफिज कुरान है, माशरती निजाम ते मुहाफिज कुरान है, सियासी निजाम ते तर्जमान कुरान है, जनाबे वाला कायनात यतीमां दा हक यतीम दा है ते दसण वाला कुरान है, हक गरीब दा है ते तर्जमान कुरान है, हक मुसाफिर दा है ते दसण वाला कुरान है, हक बेवा दा है ते दसण वाला कुरान है, हक अम्मा दा है दसण वाला कुरान है, हक निके बड़े दा दसण वाला कुरान है। ओ ताए ते यूरोप दा बेगैरत इंसान तेरे कुरान नु जलान दी कोशिश कर दिया है, ओदी वजह ए वे ओ इस नतीजे ते पहुंचया है, मैं अपनी तौरात ते बचा नहीं सकया, अपनी इंजील दा तहफ्फुज़ ते कर नहीं सकया, आसमानी किताबां जड़ियां रब ने दित्तियां अंग्रेज दी ख्वाहिश दे मुताबिक उन्हें अपना हर शै बदल लई है, अज तक
परेशान एवे आंदा जे मैं देवबंदियां कुल गिया ते ओगी कुरान है, जे मैं वहाबियां कुल सुनिया ते ओगी कुरान है, जे मैं जनाब सुनिया कुल सुनिया ते ओगी कुरान है, शाफी हम्बली बाल्की हनफी ओगी कुरान है, अफ्रीकी अमरीकी मुसलमान ते कुरान ओगी है, उन्हां दियां बोलियां वखरियां मगर कुरान एक है, उन्हां दियां टोपियां मामे वखरे मगर कुरान एक है, उन्हां दियां जमातां तंजीमां वखरियां मगर कुरान एक है, उन्हां दे नमाज दे अंदाज वखरे मगर कुरान एक है। इस वास्ते जदो हार चुके है, जदो काफिर मर चुके है, ओ तेरे किताबे इनकलाब नो जलावण दी कोशिश पे करदा है, ओदा हल वे आ अपने बच्ची बच्चे दे सीने विच कुरान मुल्तकिल कर, ओनू दस दे तू अपनी कार्रवाई खबासत करदा नजर आएगा, असा तेनू कुरान दी हिफाजत करदे नजर आ। नबी दे प्यारे गुलामो बच्चे नू इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, पायलट बनाओ, जज बनाओ, लेकिन सब तू पहले कुरान नल जोड़, ताकि तेरा पुत्र जदो कुरान पढ़ के इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वो फिर डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसा कुत्ता नहीं बनेगा, डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसा मुजाहिद इस्लाम बनेगा। जदो दीदी तरबियत कुरान नल करेगा, फिर तेरी बेटी बड़ी होके मलाला जैसी गलीज नहीं बनेगी, फिर इंडिया विच टीपू सुल्तान दे शहर दी ओ बच्ची मुस्कान बनेगी, जेड़े हिंदुस्तान च नारा मस्ताना लगा के ए मंदरा विच पयो या बुतां दे वजूद ते लर्जा तारी करके मोदी दी मां दे वजूद ते कप कपी तारी करके आख दिए कि जदो सारा पाक दिया नुखरानियां दी ए ललकार दा इतना असर है ते हुसैन दे रूहानी पुत्रां दी हैबत। जदो असा कुरान नाल बच्चे नू जोड़ांगे फिर वकील भी बनेगा ते डब्बू चौधरी जैसा थक्कड़ कचहरियां खड़े होके ते बेचारा चापलूसी करन वाला नहीं बनेगा, बल्कि असा क्या जीने भी कीता चंगा नहीं कीता, लेकिन हंजुआ नाल फवाद आया, सानू वेखण नाल सवाद आया, चवल बंदा मूंह तले रखे हैं। कल रो पे है, मैं कहा तकड़ा होया बगैरता, तकड़ा होया मुजिया, तकड़ा होया लंडे दे अंग्रेजा, हैं? ओ घुंघरू की झनकार में पलने वाले मुजियो, अब तुम्हें पता चला कि ये क्या होती, 8 घंटे बाद ही रोना शुरू कर दिते ही, फिर सलाम ते ओस मां दे पुत्र नू जिन्हें 8 महीने सूरज दी किरण ही नहीं वेखी, इंज कड़ियां पा के जदों अल्लामा इमाम रजवी दा पुत्र कसम खुदा दी जेल दी उस कैदियां दी गड्डी तो उतरे ओदी मुस्कराहट ने नियाजी तो लैके तले आले कुत्तियां बिलियां दे सीने चीर के रखे ने कि नचण नचावण वालियां दी औलाद हो रोंदी है मुहम्मद अरबी दे मिलाद मनावण वाले। थोड़ा जिहा परेशान जेड़े परेशान बैठे हो जरा पहले उन्हें लई पढ़ लो, अल्लाहुम्मा अग़फिर ले हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबीरना, ताकि मर न जान। हैं दुनिया दा बेगैरत बंदा होवे जेड़ा लीडर दे नाते अग बगोला होवे तेरे नाल उते मां कुत्ता जम दिंदी। कुरान जल गया मूजी तेरे लिए लफ्ज नहीं है, और लीडर की बात करो तो आग बगोला होता है, तू ते अपनी मां ते पियो ते धरती ते बोझ है। कसम है रब दी मुसलमान जिस मसलक का भी हो वो जब कुरान की बात आए तो मैदान में उतर के कहे कि मैं नाचने वालों का नहीं, मैं मोहम्मद अरबी के दुश्मनों का सफाई रखनी है। जेड़े चेहरे से 12 बजे जरा ओदा भी पता लग जाना चाहिए बेचारा कि मैं फंस के बैठा है, क्योंकि ओदे लई सानू 1122 दी लोड़ न पवे। जाग रहे हो कि नहीं, हौली 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 बोलो,
खुदा रसूल दा वास्ता जी अपने मिजाज नू बदलो। इस्लाम दा फलसफा की है, कुरान आखरी आए वल्लाजी जा अब सिद्दकी व सद्दक बिही उलाइका हुमुल मुत्तकून। ओ मौलवियो सूफियो पीरो चौधरीओ मलको नवाबो, कुरान दा एको जड़ा सच लेके आया एको वे तस्दीक ते ताईद वास्ते अपनिया सारिया सलाहियता सर्फ कीतिया ने। ओ हजरत मौला अली आखदे ने कोई होर नहीं है, ओ कुआफा दा शहजादा है, उम्मत दा पीर है, अबू बकर सिद्दीक रोशन। उसूले वे सच जेड़ा है ना उदे नाल खड़े होना जरूरी है मोमनो, सच नाल सच दी तस्दीक करना। ए ना वेखो अच्छा एवें होना कि मैं जिदे नाल खड़ा हो ठीक है ना बई सिवाय अंबे याद होर कोई मासूम नहीं, याद रखना सिर्फ अंबे या मासूम, बाकी कायनात च हर फर्द कोलू गलती कुताई हो सकती है। पीर तो कोलू मौलवी कोलू कायद कोलू लीडर कोलू ते ओ बंदे दा पुत्तर होवे जेड़ा नाल होवे ते आखे हजरत साहब मारी खच जे उस्ताद जी गलत कीता जे लीडर साहब चवल मारी जे, जदो ए हौसला मुक जाए फिर दुनिया नू तबाही तो कोई नहीं बचा सकदा। हुण की आलम है, हुण ए लोग गलती नू गलती नहीं समझदे, ओदा रिजल्ट की निकलिया लीडर ते मौलवी ते कायद पीर हुण ओ बन गए। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, निके निके खुदा हो गलती हो ही नहीं। मेरे पीर कोलो मौली साहब मेरे उस्ताद कोलो ओ जेड़े हाशिया बरदार होंदे ना नाल पिछू नचण गावण वाले ते नारे लावण वाले ओ इंज चुकदे ने कि ओ गलती मन्नण ते तैयार नहीं होंदी, भावे मौलवी होवे पीर होवे या लीडर होवे उहनां नूं एहसास ही खत्म हो जांदा कि गलती कर सकदे, हालांकि कदम कदम ते खता होंदी है बंदे कोल। लेकिन एक कदों होएगा जब कौम जिंदा होगी, उस्ताद जी ये गल ठीक नहीं जे की थी, पीर जी ये गल ठीक नहीं है, लीडर साहब गल ठीक नहीं है, कोई नहीं। हाँ लीडर दी पीर दी मौलवी दी गल आवे छोड़े ला देंगा, डकरे ला देंगा, मार देंगा, गल करके वेख क्या इन लोगों ने नहीं सुने राणा सनाउल्ला साहब ने की आख्या सी। नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल हज उमरा तो ज्यादा सवाब है, विच पीर मौलवी कोई ना बैठे, बोलो तो सही मरो नाल ही तो मुक जाते हो। क्या फैसल पाडा नहीं बकवास की थी, अल्लाह के बाद कायनात की सबसे बड़ी शख्सियत इमरान खान है, क्या मौलवी कोई ना बोलो तो सही है, क्या गल्ला कोई ना की थी, क्या इमरान खान ने सिया, क्या सहाबा बुजदिल थे, कितने गए सन करीब बैठन वाले, क्या तेरे मुल्क दे वजीरे खारजा साहब जदों दे बने ने जहाज तो थले पैर लांदा ही नहीं पिया, अज मास्को कल फलाने मुल्क अगले दिन फलाने, उस मुल्क है जेड़ा मुल्क बुक है उस मुल्क का वजीर खर्च है, अर्निंग की है जीरो, पू मूर्तियां ते दुध पा रहा सी ते पार्टी च मौलवी कौन ही सन जेड़े आंदे हजरत साहब की चवल पे मार दे। लेकिन क्योंकि दिमाग बंद हो चुके ने लीडर की मोहब्बत, जो हक नु हक आखो गए इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज की है। हजरत उमर फरमाते ने दसो अगर मैं कोई नवी गल करा तो रिएक्शन की होगा। एक नौजवान ने मारिया जंप तलवार लहरा क्या क्या तू नवी गल मुंह कड जे मजमे विच तेरी गर्दन न उड़ावा तो मैनू मुहम्मद दवीर अली ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदी अल्लाह। हजरत उमर फरमाते ने अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं उस लश्कर बेचा जिथे जिस लश्कर अली जैसे खुददार लोग मौजूद ने। बीमार हो के नहीं जरा होशियार हो के बोलो, और जदो इस तरह का फलसफा होवेगा जदो असा अपनिया खामिया नू सामने रखांगे जदो एक दूजे की इसलाह करांगे उदा नुकसान नहीं होएगा इस्लाम नू। अज जनाब इस्लाम नू कमजोर करन दिया पूरिया पूरिया कोशिशां जारी ने। सऊदिया का हाकिम बेगैरती दी नींद सो चुकया, वजह कौन बनिया हरम शरीफ का सरकारी बेगैरत इमाम, अज कुवैत का हाकिम बेगैरती दी नींद सो चुकया,
वजह कौन बनिया कुवैत दा सरकारी मुल्ला अज यूएई दा हाकिम बेगैरती दी नींद सो के यहूदियत नूं जफ्फियां पाण च मसरूफ है बेगैरती दा जरिया कौन बनिया यूएई दा सरकारी मुल्ला लेकिन अज भी अल्लाह दा शुक्र है अगर चे इस मुल्क च भी सरकारी मौलवियां ते चापलूस पीरां दी भरमार मौजूद है कि जफ्फियां पा के आंदे ने अल्लाह ने आपसे भी दीन का काम लेना है। मैं पूछना चाहना जिन्हों तकलीफ होवे उन्हों होनी चाहिदी है जिन्हों ना होवे उन्हों मैं गल सुनाना चाहना ओ किथे मर गया ओ बेगैरत मुल्ला जेड़ा कल अदाकारां दियां ते तवैफां दियां बालां दे कन्ने च बांगां देण रिहा सी अज कुरान जलिया ते ओदी जबान गुंग क्यों है ना मुँह से रिसालत ते हमला होवे ते मुल्ला चुप क्यों है ना मुँह से रिसालत दी बात आवे ते सरकारी दरबारी मौल ते मौलवी ते पीर खामोश क्यों ने लेकिन मैं फिर भी आखना अल्लाह तेरा शुक्र है कि अगर इत्थे सरकारियां दरबारियां दी भरमार है ते कुछ एगो जिहा लश्कर भी असां वेखिया है जिहड़ा व्हील चेयर ते आवण वाला माजूर बाबा लैके मैदान च इंज उतरे आए ओदी कुर्सी पाकिस्तान च घूमदी सी ते कसम खुदा दी नींदरा गैरट विल्डर दियां उड़ जांदियां सन वजह ए सी दसना चाहने हां दुनिया नूं अगर ते तुहाडी इनवेस्टमेंट है हर घर च बेगैरती दा माहौल खिलदा नजर आवे तुहाडी ख्वाहिश है हर घर च दब्बू जैसा बदकार होवे एतजाज ऐसन जैसा खलीस होवे तुहाडी ख्वाहिश है पाकिस्तान दे अंदर हर घर दे अंदर कोई मलाला जैसी शर्मीन उबैद चनाई जैसी परवेज हूद जैसा बेगैरत बंदा मारवी शरमद जैसी गलीसा पैदा होवे ता आओ तुहाडी कोशिश अपनी थां ते वे लेकिन कसम खुदा दी अज भी गैरतमंद प्यो दे पुत्र और सब जिंदादार मावां दियां बेटियां ते बेटे अज भी गुलामां ने रसूल उशाकां ने रसूल इमाम रजवी दी कयादत च फैजाबाद दे पुल ते बह के ओ यहूदो नसारा दी अक चक पा के आंदे ने मन सब नबीयन इस्लाम दा फलसफा की है आखे इस्लाम मौलवियां नूं की पता सी सानूं कुछ दा पता नहीं है साडे कोल होर ते कुछ नहीं है जदों साडे कोल पुछदे हो होर गल्लां साडे कोल है ही कोई नहीं तुसां जो कुछ बाहरों सानूं लिया के दिता है माशाला साडे कोल मौका ही नहीं रहा। ख्वाजा इमरान खान साहब है उस आखिया मेरे को 200 माहिर माशियात ने मैं हेठली उतली कर दिया वो बाद च तहकीक की थी पता लगा वो माहिर माशियात नहीं सन माहिर मनशियात सन हौली हौली बोलो वो माहिर मनशियात सन पहले हफीज साहब आए जी डॉक्टर हफीज साहब उन्हें बेड़ा डोबिया उस तो बाद आ गए हजरत शौकत बदतरीन साहब उन्हें रोला मुकाया उस तो बाद उन्हें आके हुण नवे मिस्त्रियों की टीम आई है ये फिर पाकिस्तान बना रहे हैं उन्हें शुरू किया आ गए जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब असा फिर उत्थे उस तो बाद है किबला डार साहब डार ते डालर की लड़ाई हुई डालर ने लम्या पा के ते डार साहब नूं इंज वजाया है ते इंज मुछे है वो डार साहब डालर दे थल्यों निकल ही नहीं रहे 250 तो भी डालर टप गया हौली बोलो ते कल उन्हें की आख्या मुल्क अल्लाह ने बनाया था ते इनू इज्जतां भी अल्लाह ने देनियां ने मां कल अल्लाह ते खैर सलाह हुण गल मुकाई जे मैं आख्या नाराज ते नहीं हो हौली हौली बोलो हुण असां इस ते पहुंचे हैं जी चलो ये गल फजल रहमान जे दरबारी बयान कर दे चलो होर गल आई लेकिन कोई नहीं अच्छा मुतमैन ने ते उन्हां तो वड्डी चवल कौम है जिहड़ी उन्हां दी गड्डियां अगे बांदर तरह नच रही है हैं क्या मिजाज ने यार ते उदों जदों पैंदे ने सानूं की आंदे जाहिल मौलवियों के पास क्या है तुहाडे कोल कुछ है असां कहे जी साडे कोल जिहड़ी शै पहले खोह लई होर साडे कोल है ही कुछ साडे कोल की है हां हमसे पूछोगे हम आपको लेके जाएंगे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं वाशिंगटन नहीं यूरोप नहीं असा तुहानू फड़ के ले जावांगे उत्थे जिथे हजरत इकबाल फरमांदे ने मन शबे सिद्दीक रादी दम्बा ख्वाब
कुल जिखा के रागे ऊची दंबखाब आ अमन नन्नास पर मौलाए माँ आ कली में अव्वल सीनाए माँ तू आड़े कुल यूरोप अमरीका दे क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग ने असान्या तुआनू मुबारक हो मेरी तारीख द हीरो यूरोपी अमेरिकन नहीं है मेरी तारीख दे हीरो दा नाए अबू बकर सिद्दीक ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਨਾ ਸਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਬਣ ਗਏ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਆਲਮ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਆ ਵੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇੰਜ ਦੋ ਤਰਾ ਜੱਫੀਆਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਜੀ ਹੋਰੀ ਮੱਕਿਓਂ ਪੈਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਵੀਹ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੋਟ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਬੂਲੀ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਖੈਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਫੂਕ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਗਨ ਚੁਰੰਗੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੱਲੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋਟੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਸਮਝੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਗਵਰਨਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਸਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਸਿਆ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਇਸਲਾਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਇਸਲਾਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਸਿਰਫ ਟੀਕਰ ਲਾਵਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰਜੂਬ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਂ ਦੀਦਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਹੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਪੰਜ ਡੱਬੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਡੇਢ ਪੀੜ ਹੈ ਉਨਾ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਹੈ ਉਨਾ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਲੱਤ 'ਚ ਪੀੜ ਹੈ ਉਨਾ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਹਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜਾਓ ਜੀ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਡੇਢ ਦੋ ਲੱਖ ਨੂੰ ਵੰਜਾਇਆ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੰਡੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਆਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਏ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਹਿਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕਣ ਦਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਮਨੀਏ ਉਹ ਮਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਕੀਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਇਖਤਲਾਫ ਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰਾਏ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਨੇ ਉਮਤ ਦੇ ਹੀਰੋ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਤਸੱਵਰ ਇੰਜ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨਬੀ ਮੁਤਮਾਇਨ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਿਆ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਸਰਬਰਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੜੜੀ ਰੱਖੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਤੇ ਤਿਜਾਰਤ ਦੀ ਗਰਦ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ੂਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਆਮਲਾਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਖੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ੂਰਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉਠਾਓ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਗਏ ਤਰਬੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦਾ ਹਸੀਨ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਉਮਤ ਦਾ ਹੀਰੋ ਦਿਓਬੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਹਾਬੀ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ ਇਹ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ
बच्चा कामयाब तरीन पर्सनैलिटी कौन है? तेन आखेगा बिल गेट्स फलाना बंदा। ते तेरे को मैं पूछा कामयाब तरीन जात कौन है, तू फट आखेगा हजूर रहमत कौन है। एदा मतलब है तेरा मेरा कमाल नहीं, ये साड़ी अनपढ़ अम्मा दी लोरी दा सरे। तेरा मेरा पता उदो लगेगा जदो मेरा तेरा पुत्र इंजीनियर डॉक्टर पायलट जज वजीर बन के भी आखेगा ओ कायनात च कामयाब तरीन जात और कोई भी नहीं है सिवाय मुहम्मद अरबी दे और उन्होंने शगिर्द। फिर पता चलेगा हुण कामयाब फलाना ते ढींगणा जिहड़ा लोगां दे हकूक सलब करे ओह कामयाब थोड़ा है। उन्हां आख्या फिर फैसला शूरा दा ए वे जिवें तुहाडी डिमांड होवे मामूल दे अखराजात नूं सामने रखो ए स्टेट उठाएगी तुसां कौम दे मुआमलात दी निगरानी करो। सिद्दीक अकबर तरबियत मुहम्मदी बोली उम्मत दा हीरो बोलिया रसूलुल्लाह दा शगिर्द बोलिया अल्लाह दा पाक बंदा बोलिया कायनात इस्लाम दा लीडर बोलिया। आखन लगे फिर जितनी मजदूर दी उजरत है उतनी वक्त दे हाकिम दी उजरत होवे। आज कसम खुदा दी मैं सोचना मेरे खून तो आंसू आंदे ने हैरान होना। छे धियां दा पियो सस्ता आटा लैण निकले आए रात नूं ओ आटे दे थैले दे नाल छे धियां दे पियो दी लाश भी घर पहुंची है। हुक्मराना नूं टस टू मस होण दा मौका नहीं भया मेरा दिल खून दे आंसू रोया जदों पढ़िया के एक मां ने अपने एक पुत्र नूं इंजीनियर बनावण लई दो धियां दा जहेज वेचिया। फिर दो धियां दा जहेज वेच के पुत्र नूं दो नंबर रास्ते दे थाणी उन्हें यूरप भिजवाया। वह यूरप का सफर करदियां करदियां विकदियां विकांदियां छे महीनियां बाद इतला घर पहुंची है कि चार भैणां दा इकलौता भाई तुर्की का बार्डर करा कर दिया मारिया गया। दसा उस मां नूं दिलासा कौन देवेगा जिहड़ी डॉक्टर बनाने लई धीआं दा जहेज वेच चुकी है। ओ हुक्मराना दीआं गड्डियां अगे नच्चण वाले आ उस यतीम नूं कौन जवाब देवेगा। उस बेवा मां नूं पुछ लवो जिहदी जवान बेटी दिन दिहाड़े कॉलेज चों निकलदी उठा लई गई है कई दरिंदियां ने रेप करके उहनूं मार दित्ता ते उहदियां जनाबे वाला दो चार धीआं होर ने मां अपनी धी दे कातलां दा केस वापस लैंदियां वक्त दे जज दे मुंह ते तमाचा मार के इंसाफ नूं पैरां तले रौंद के आख रही है जज साहिब मैं तीन धीआं जवानां दी मां वां क्योंकि मैं बेवा वां मैं लड़ नहीं सकदी मैनूं तेरे कातलां ने निजाम दियां ने आखिया है अगर तू पैरवी करेगी होर धीआं वी चुक लवांगे। जिथे अदल तू इंसाफ तू लोगां दी तवज्जो हट जाए जिथे लोगां नूं इंसाफ ना मिले जिथे ऊंच नीच दा प्रोटोकॉल इंजोवे के हुक्मराना दे कानवाए दियां गड्डियां तले यतीम बच्चे कुचल दिते जावें जिथे यतीम औरतां बच्चियां मार दितियां जावें जिथे मां अपनी बेटी नूं लेके कुएं विच छलांग लगावे या ट्रेन थले सिर दे के आखे के मैं गरीब हां रोटी मंग नहीं सकदी हां इज्जत बचा नहीं सकदी हां बिना हक्के दी होर कुछ नहीं कर सकदी। और जिथे गरीब मजदूर पियो अपनी धी नूं रुखसत करन वास्ते ते बोर्ड कतबा चा के खड़ा होवे गुरदे बराए फरोख्त ने मैं गुरदा बेच के धी नूं रुखसत करांगा। जिथे जहेज दी लानत दा असर मौजूद होवे जिथे जनाबे वाला बेहयाई बदकारी उरूज ते होवे जिथे फाशी उरियानी दा दौर दौरा होवे उत्ते होर कुछ वस नहीं चलदा। आंदे ने मेरा मिंबर दी सदा नूं कमजोर कर दिता जावे आज जमाने नूं अगर तरक्की वल जाना चाहना है बेगैरती दा ना तरक्की ना रख बेहयाई दा ना तरक्की ना रख घटियापन गलाजत दा ना तरक्की ना रख। यूरोप च 11 सालां दी बच्ची अपने भाई नाल बदकारी करके नजायज बच्चे दी मां बनी है ये तरक्की नहीं है। ओए तरक्की है वे के जदों फीडर पीवण वाला निक्का भिरा अपनी भैण दे हाथ पकड़ के टुरदा है ते भैण महसूस कर दी है मेरा हाथ दुश्मन दे हाथ च नहीं मेरी इज्जत दी हिफाजत करन वाले वीर ये निजाम इस्लाम ने दिता है। इत्थे प्रोटोकॉल की है सवाब दी दी इख्तियारात वजीर दे हाकिम दे सरबराहे ममलुकत दे उत्थे अबू बकर आने जितनी मजदूर दी
दिहाड़ी उतनी हाकिम दी। और सुने इन्हों मूजियां क्यों इस्लाम चंगा नहीं लगता, इन्हों इस्लाम क्यों पसंद नहीं है। अबू बकर सिद्दीक कह रहे ने जेड़ी मजदूर दी दिहाड़ी वो वक्त दे, बोलो अगर नाराज ना हो वो मैं हाथ जोड़ के पूछ सकना, कई सौ कनाल च बंगला खाजा इमरान खान साहब दा ते इनकम जीरो कीवें चल रहे। खाजा मुहम्मद शबाज शरीफ ते हजरत बड़े पीर मुहम्मद नवाज शरीफ साहब करोड़ किचन का खर्चा ते इनकम जीरो कीवें चल रही है। हजरत किबला आसिफ अली जरदारी साहब हर बड़े शहर आलीशान बंगला निजाम कीवें चल रहे है। और कितनी देर तक खून चुसवाओगे, हक लैण वास्ते अखे तक पावो फिर परेशानी नहीं होवेगी। जदों पुछोगे दस कीता की है सामने कुछ रख फिर परेशानियां नहीं होवनगियां। प्रोटोकॉल दा फलसफा तां ही ते आया कि ना यूरोप नू सामने रखे। अबू बकर वक्त दे हाकिम बने, मदीने दियां बच्चियां निकियां नी चाचा साडियां डाचियां दा दुध पहले तू चोंदा आवें हुण कौन चोएगा, साडियां बकरियां दा दुध कौन चोएगा। सुन सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी बन के जिवें जिहड़ी शाह वर्दी बन के सुन वक्त दा हाकिम बकरियां ते डाचियां दे थण फक पकड़ के दुध धारा निकाल रहे है। लोग पुछदे ने हाकिम बन के भी, फरमाया हां जदों तरबीयत मुहम्मद अरबी दे कदमां विच होवे फिर लोगां नूं असीं दसने आ कि मुस्तफा दे दीन ऊंच नीच खत्म कर। लेकिन ये गल करांगे ते फिर मौलवी कोल की साडे कोल कुछ जी ने इयो कुछ जे इत्थे प्रोटोकॉल दा आलम है वे बेहयाई दा आलम है वे पैसे बैतुल माल दे सलाई मशीन जकात दी 5-10 किलो आटा थैला जकात ते बैतुल माल दा चेयरमैन साहब एमपीए साहब वजीर साहब सखी साहब गरीब घी नूं दे के फोटो बनवा रहे गरीबों की मदद करते हुए। अगले दिन फेसबुक ते जे अखबार ते नहीं चढ़िया ते फेसबुक ते दसां हाजी साहब चौरी साहब सखी साहब चेयरमैन साहब सरदार साहब जे तेरी मेरी धी भैन लैने च लगी होवे ते अगले दिन फोटो अखबार ते आवे की गुजरेगी। लेकिन क्योंकि जदों असां समझना ही नहीं है ते फिर इहो कुछ होणा है उत्थे आलम की है। हजरत उमर फरमांदे ने मैं आखिया अबू बकर हमेशा नेकियां विच सबकत लै गए ने हुण अल्लाह कीता अबू बकर वक्त दे इंतजामी उमूर दी वजह नाल मसरूफ हो गए हुण मैं नेकियां अगे वधण दा मौका मिलेगा। आंदन मैं एक घर पहुंचिया फजर दी नमाज पढ़ी है मैं उस घर दा जाके इशराक काश्त वेले बुआ खड़का के आख्या अम्मा दरवाजा खोल मैं झाड़ू दे दियां तेनू पानी भर दियां मदीने च बुजुर्ग नबीना बेवा औरत है। अंदरू आवाज आई है कौन, मैं आख्या मुस्तफा दा शगिर्द उमर। हां उन्हें आख्या अल्लाह तेरा इकबाल बुलंद करे बच्चा कोई पहले आया है पानी भी भर के देगी है झाड़ू भी फेर के देगी है। हजरत उमर दिन अगले दिन मैं नमाज फजर वेले आया मैं फिर आवाज दिती है आख्या बेटा अल्लाह इकबाल बुलंद करी कोई पानी भी भर के देगी है झाड़ू भी देगी है। अगले दिन मैं नमाज तू पहले आया मैं कब वेखा ते सही इंतजामी उमूर च खलीफा बिला फसल ते मसरू आखिर कौन आया है। आंदन जीवें तहज्जुद दा टाइम होया सुबह सहर दस्त नबे वाला तलूक होई है आवाज दरवाजा खड़कान वाले आख्या अम्मा दरवाजा खोल मैं मुस्तफा दा शागिर्द हजूर दी उम्मत दा नौकर ते खादिम अबू बकर मुसल्ले रसूल दा वारिस आवाज आई है बुआ खोल मैं झाड़ू भी दे दिया पानी दा मशकीजा भी भर दिया इतनी गल
की उमर दे मैं दौड़ के हाथ पकड़े मैं आख्या ओ रसूल अल्लाह दे प्यारे गुलाम तैनू लकवा मीता जरा मुसल्ले रसूल दे वारे साहबा दिया इमाम मैं मन गया तू कल भी साहबा दा इमाम सै अज भी साहबा दा इमाम है फिर अस क्यों ना आखिए सारे यार हजूर दे ओ सोने ने पर यारे गार दिया क्या बातां ने सारे यार हजूर दे ओ सोने ने पर यारे गार दिया क्या बातां ने ओ कीता प्यार नबी नाल ओ सारिया ने ओदे प्यार दिया क्या बातां ने ए जो प्रीत नबी नाल ए लाई कर कोई ना चीज बचाई ए जज्बा वेख उमर बोले ए जज्बा वेख उमर बोले ए साडे यार दिया क्या बातां ने ए चढ़ी इश्क नबी दी मस्ती ए सिद्दीक दी आला हस्ती ए डंग मार के सप वी ओए बोल पिया डंग मार के सप वी ओए बोल पिया पैरेदार दिया इथे आला मेवे नबी दे गुलामो हाजी साहब नमाज पूरी पढ़ दे तस्बी पूरी मदीने मक्के भी माशाल्लाह बल्कि हर साल भैन हक लैण लई कचहरियां च हाजी होरी मक्के थोड़ी जी गल होई रिश्तेदारां नाल जिथे दियां व्याईयां रुसा के घर बिठा लईयां तैनू पता चलेगा हुण यानी असी होर कुछ राह बंद कर दिता मुसलमान पानी बंद कर देंगे मुसलमान क्या मिला मेरे भड़ोले साडे जी दे विच दाणे रखने आ साल दे उनू भड़ोला ने तुहाडे पर की आने शुक्र है एक गल करे है असी की आने आ भड़ोला मेरे भड़ोले च दाणे पंजाब मान मेरे पड़ोसी भुखे नमाज दी नमाज भी जारी तस्बीह दी गिट गिट भी जारी मेरे भड़ोले च पंजाब मान दाणे मेरियां सकियां बहन दियां धियां पुत्तर गरीब उधार मंगदे फिर दिन कोई नहीं देंदा मैनू अल्लाह ने चार टक्के या चार जमीन दे टप्पे दिते 50 लाख दा जहेज धी नू सगी भांजी भतीजी मेरी पड़ोस च अपने गरीब पियो ते बोझ बन के बैठी है मेरी तस्बीह दी गिट गिटी जा रही है सद दोए ओथों कमी औरत नू मेरी धी दे साडे पिंड च बेगरती है मेरी धी दे जहेज भी खावे पिंड वालियां बच्चियां नू वो फिर औरतां वेखदियां ने बच्चियां कट्ठी होके वेख रही होंदियां ने धी फलां सरदार ने इन्नियां पीर इन्नियां चमचे दिते इन्ने बिस्तरे दिते इन्ने इन्नियां मंजियां दित्तियां इन्ना पीड़े दिते इन्ना फलाना दिता ते असीं खुश होने आ के दौलत दी नुमाइश हो रही है कदे सोचे कि वह जहेज वेखण विच जिहड़ियां यतीम धियां खड़ियां ने जिहड़ा उन्हां दा दिल पिया टुटदा है उन्हां दा जिम्मेदार कौन होएगा कदे असां सोचे इस्लाम तो एडा हसास दीन ता ही तो इन्हां बेगैरतां नूं चंगी नहीं लगती गल इस्लाम का फलसफा तो वे बेवा औरत की मौजूदगी अपनी बीवी नाल हस हस के ना बोल उहदा दिल ना टूटे ये है इस्लाम आखो यहूदो नसारा नूं कायनात चुको कढ के लिया वेज की तालीमात जिवें मुस्तफा दे दीन च है पूरी कायनात कोई ऐसा तसव्वुर नहीं है इत्थे आला यतीम दी मौजूदगी च अपने बाला नाल हस के ना बोल ताकि दिल ना टूटे हौली हौली बोलो हजूर दे गुलामां दा माहौल ऐसा बच्चे खेड रहे ने आमन वाला अपने बाप अपने बेटे नु बुला रहे हजूर फरमाया ना लै के सदी तू जिगर दा टुकड़ा लखते जिगर आखेगा यतीमां दा दिल ना टूटे दा ना इस्लाम कुरान दे जेरे साया रुखसत करन दी लोड़ नहीं पैनी
जदों 20 साल धी दे दिल च कुरान रखांगे। आज आनन कुरान ले आओ, केड़ा पड़ोसी मुल्क दा ड्रामा ते फिल्म नहीं है। अल्लाह दा शुक्र है जेड़े असा पिंडा वाले लोग आ ढेर सारियां बेगैरतियां तों बचे होया। शहरां दे विच बकायदा तौर ते इंडिया दी हर फिल्म ते ड्रामा दे हर घटिया सीन नूं बकायदा तौर ते असा धीआं भैणां दे विच फिल्मा के रुखसती करके दस रहे होने आ। इस्लाम नूं कमजोर करन दी मनसूबा, तां ही ते सोनिया गांधी आखिया सी हुण सानूं इस कौम नाल लड़न दी लोड़ कोई नहीं, इन्हां नूं असां तहजीब दी चक्की च इंज करके पीस के रख दिता है। मैं हैरान होना उन्हां नौजवानों को जिहड़े मोबाइलां च गाने भी फिल्म इंडिया दे फिल्मां भी इंडिया दियां, वह भी कदे कदे आख रहे उस्ताद जी अज दुआ करना इंडिया ते पाकिस्तान दा मैच है, मैं डुब के मर जा। उदों हुण कुफर ते इस्लाम दी फतह शिकस्त दे मामले आ गए, जदों साडे मिजाज च खुब चुकी उन्हां दी फिक्र ते ताज़ीब, फिर बर्बादी तबाही है। असां ते दुनिया नूं उसूल देवण वाले आ, असां ते कायनात नूं दसण वाले आ। जदों आलमे होवे रसूलुल्लाह दे गुलामां दा, अज लोकां ने फलाना चंदा मंग मंग के उन्हें यतीमा मिसकीना गरीबां नूं दिता, उन्हें जलजलिया तूफाना दे विच मदतां कीतियां। असां कहा तेरे कोलू हीरो एवे, तेरे कोलू हीरो अबू बकर सिद्दीक, जिहड़ा घर दा समान गड़ड़ी च बन के फिर तुरन लगता है ते फिर लिबास ते नजर पैंदी है। वो की कर दे दरख्त दे कंडे बना के टाट दा लिबास पा के सारा कुछ नबी दिया कदमां विच रखदा है। इधरों आके सिद्दीक ने ढेरी लाई है, उधरों रब जबरील नू आखे जल्दी जा मेरे यार नू सलाम करके आख, अबू बकर नू साडा भी सलाम देवो, इनू पुछो हर शै लुटा के साडे ते राजी भी है के नहीं है। इकबाल फरमाते ने खुदी को कर बलन जितना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। असा सदका भी देने है ना, साडे घर च होंदा है फलाने नु सदका देने है, अज मुंह ही फेर के लंघ गए। अल्लाह वाले आंदे ने जिदे उत्ते तुसी नेकी कर रहे हो ना, जिन्हों 5, 10, 100, 50, 1,000 दे रहे हो, उदा शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उन्हें तुहाडे कोलों थोड़ी चीज लैके रब कोलों वड्डी चीज लैके दित्ती है। है सदका खरा दे के मुड़े, बल्कि हजूर फरमाते ने अफजल सदका केड़ा है, जेड़ा उन्हों दो जेड़ा तुहानू किसे खाते च ना लिखे। हौली हौली बोलो, ते जेड़ा आके चौर साहब शुक्रिया जकात गौरमेंट दी दित्ती मैं सलाम ही नहीं लैंदा, वाहे हाजिया वाहे चौधरिया पैसे सरकार दे दिते मैंने ते मैनू सलाम ही नहीं लैंदा। इत्थे आलम की है, साडे कोल मिसाल कौन ने, इमाम हसन मुश्तबा निकले, एक भुखा बाणा बंदा एडी लंबी जबान कढ के इमाम हसन पाक नू जू गाल बंदे नू जुड़िया, खराफात उगलदा रहा। इमाम साहब मुस्कुरांदे गए ते सुनदे गए, मुस्कुरांदे गए ते सुनदे गए। ये हौसला है पीरो, है जे हौसला मौलवियो, है जे हौसला सरदारो मलको नवाबो, दसो हाँ। इस्लाम दी ये गल साडे कोल असती हो जी गल्लां करनियां ते असां तो तुसी दुआ करो अल्लाह सानू अपनाण दी तौफीक अजा फरमावे, ते सफेद रीस बुजुर्गां दा सदका सानू सारयां ते अल्लाह करम फरमावे। कौन है शहजादा जिन्हों शहजादा आखिया जांदा है, जो निकले जो गाल बंदा जो खराफात उगल सकदा सी उगलदा आया उगलदा आया उगलदा आया। वाह सोने शहजादे हो, क्या तरबीयत है हजूर दे गुलामां ते हजूर दे बच्चे। गाल मंदा कड़दा आया, जिस वेले हजरत इमाम पाक दरवाजे कोल पहुंचे फरमाया यार मेरा घर आ गया, अगर कोई होर मेमोरी विच कोई बाकी चीज रह गई है तो वो भी कर दे ताकि तैनूं परेशानी ना होवे, भाई रज के सुना नहीं सकिया। इन्नी गल कीती ने ते फरमाया अगर मैनूं एक मिनट दे देवे तो मैं तेरा शुक्रगुजार होवांगा। आखिर ठीक है, उन्हें एवं मुंह वट के आख्या। आप अंदर चले गए ते अंदरों चंगेर समान दी भर के ना, खजाने दी चंगेर भर के तो उन्होंने आके आंदे ने ए अज मेरे को सिर्फ इन नहीं है, माफ करी अज मेरे को सिर्फ इन नहीं है। उन्हें इन्नी गल सुन के जवाब पता की दिता, थैंक यू नहीं, शुक्रिया नहीं, जीवंदे रहो नहीं, वसदे रहो सलामत रहो नहीं। उन्हें अजीब गल की, वो सारा समान लैके आंदा है, मैनु अल्लाह दी इज्जत दी कसम है तू मुहम्मद रसूलुल्लाह दा बेटा,
तू हजूर दा लखते जिगर है, तू जहरा दा नूरे नजर है। कदे तेंज भी करिए के कमल तू ते मैं करिए, शाबाश इस्लाम नू होवे। कम भी करिए किरदार तेरा मेरा होवे, झंडा उच्चा इस्लाम दा होवे, गल तेरी मेरी होवे, ते इज्जत इस्लाम दी बुलंद होवे, असा इस्लाम दे कोलू हर शै लैके इंजॉय कर रहे हां। चौधरी ओ तुहानू इज्जत, मैनू इज्जत, मेरे पीर मौलवी उस्ताद नू इज्जत इस्लाम दिती है। असा इस्लाम नू कुछ नहीं दिता, इस्लाम सानू सब कुछ दिता है। ते जिना इस्लाम सब कुछ दिता है, अबू बकर उमर उस्मान अली हसनैन करीम, इस्लाम को लड़ चल रही है। असा इस्लाम दे चौकीदार बनिए, इस्लाम दे पहरेदार बनिए। आओ जरा इस्लाम दे अनवारो तजल्लियात बरकात नू नस्लां विच मुंतकिल करिए। ये सारे उसूल मौजूद ने, अगर तू चाहना है तेरे मेरे किरदार नाल आलमे कुफर ते असर होवे, फिर कुरान तू नूर ले। कुरान कह रहे वकदा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इयाहु वबिल वालिदैन इहसान इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा वला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। इस्लाम दा नूर है जे नौजवानो, मां पियो अगू उफ ना कीता कर, इस्लाम दी तालीम है वे। अम्मा पे अगू सिर ना चुकया कर, इस्लाम दी तालीम है वे। मां पियो अगू उच्चा ना बोलिया कर, इस्लाम दा नूर वे। के अम्मा दे जोड़े सिद्धे कीता कर, पियो दियां जुतियां सिद्धियां कीता कर, अम्मा दी नौकरी करया कर, पियो दी ताबेदारी करया कर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कम ते जान लगिया, अम्मा दे पैर ते बाबे दे हाथ चुमिया कर। ओ फिर तू पीर दा तवीज गल च पा ना पा, कोई फर्क नहीं पवेगा। तेरी मां दी तू तेरे उत्ते साजा फिकन रवेगी। मां पियो नाल प्यार कर, अम्मा बाबे दी खिदमत करया कर। अमरीका बरतानिया दा वीजा होना कमाल नहीं है, अम्मा बाबे दी नौकरी कमाल है। गजटेड अफीसर बनन दी चस नहीं है, रात नू अम्मा बाबे दे पैर दुबा के सम्मन दी चस है। इस्लाम दा फलसफा ए वे, भैन दे घर जा ते खाली हथ ना जा, भैन घर आवे ते खाली हथ ना गल। इस्लाम दा फलसफा ए वे, भैणा कोलू लिखवा के जदाद हड़प करन दी बजाए अपनिया भैणा नू हक दिया कर। भैन कोलू जा ते खुश कीता कर, भैन आवे ते खुश कीता कर। इस्लाम दा फलसफा ए नहीं है कि धीआं नू मॉडर्न फिक्र दे के उन्हां नू टिकटॉक ते नचण वाला बना, बल्कि धीआं दी तरबियत कर ले। उन्हां नू पता होवे इज्जत जहरा दियां कदमां विच है, वकार ज़ैनब पाक दियां कदमां विच है, मैनू बुलंदी सैयदा दियां कदमां दी धूल च मयसर आणी है। इस्लाम दा भैणां दे हकूक दा ख्याल रखो, इस्लाम दे मां दे कदमां तले जन्नत ढूंढो, इस्लाम दे बुजुर्गों का एहतराम करो, इस्लाम दे वड्डे नू देख के एहतराम करिया कर, निक्कियां नाल प्यार कीता कर। इस्लाम दी तालीम ए वे, अपने खाण पीण च सादगी पैदा कर, ताकि तेरा पड़ोसी भुखा ना रवे। इस्लाम दे किना किफायत शियारी अपना, ताकि लोगों तक को फिक्र मुंतकिल कर ले। इस्लाम दे भुखियां नू खाना खवा, इस्लाम दे मुसाफरां नू मंजिल दे, इस्लाम दे यतीमां दे सिर ते हथ रख ले। ओ तू रोजाना तहज्जुद पढ़े, तेरे पड़ोसी गरीब नू ओदा की फायदा है। तू इशराक ना छड़े, तेरे यतीम भांजे नू की फायदा है। तू हर साल मदीने मक्के जावे, तेरे रिश्तेदार नू की फायदा है। अगर तू चाहना इस्लाम दा परचम बुलंद होवे, फिर रात नू सोण तू पहला अपने बालां ते धीआं ते पुत्रां दे थ्रू पता कर, कोई भुखा ना सुत्ता होवे। ए जानना बेगैरती है कि पड़ोसी दी धी कॉलेज गई है कि बाजार गई है। एक कुत्ते वाली नजर है, इंसाना वाली नजर ए होवे कि जिवें मेरे दिल च मेरी भैन दी इज्जत है, उवें पड़ोसी दी धी दी इज्जत होवे। जिवें अपनी बेटी दी इज्जत है, उवें पड़ोसी दी धी दी इज्जत होवे, ताकि उन्हूं पता चले मेरा पड़ोसी देवबंदी सुन्नी वहाबी शिया हो सकता है, मेरा पड़ोसी पीटीआई नून काफ वाला हो सकता है, लेकिन सब तो पहले मुहम्मद अरबी दा नौकर है। ओ मैं मजदूरी वास्ते दू
दूजे शहर हाँ मेरी धी भैन महफूज है क्योंकि मेरे पड़ोस कुत्ता दरिंदा नहीं मुहम्मद का नौकर ते मुसलमान है। मेरे पाक नबी दे गुलाम हो इत्थे तस्बीह ते जोर ते ज़िक्र अज़कार ते जोर। मेरे पाक नबी ने की फरमाया हजूर सैयद आलम दे गुलाम हो फरमाया जन्नत दी खुशबू नहीं सूंघ सकदा। सूफी साहब मौली साहब पीर साहब सुख हजरत साहब सरदार साहब जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता जिसके जुबान और शर से पड़ोसी महफूज ना हो। इत्थे मिजाज की हाजी और दिल दे थोड़े जे सख्त ने जबान दे थोड़े जे सख्त ने दिल दे बहु नरम ने। तू दस बजी ने जबान ते बोली कुत्ता बने हो उदे दिल च किसे कोठा छतना है। हौली हौली बोलो एडी कोथरी जुबान नमाज पढ़ के तू बंदे ते एहसान कर रहे हैं। ए मोटर वे ते सफर करो ना कदे साडू किरदार अपना वेखिए। अजकल जाओ ते चार रोटी पानी पीवीए ना ते बाद च पैसे लेंदे ने ए मोटर वे ते जदो इज्तिमा शुरू होवे ना सजणा दा उदो आंदे ने पहले पैसे दो। किथे पहुंच चुके आ सी समझ गए ओ जदो मुसलमान ढेर गुजर रहे हो मैं ते ओ जे मुसलमान माशाल्लाह पौसियां ने वंदा अपना अपना मिजाज है ਬਈ ਕਿਆਮ ਉਤਾਮ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹੋਟਲ ਤੇ ਜਾਓ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੁੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰਫ਼ਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੁਮਕਾ ਅੱਛਾ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀਨ ਕਾ ਕਾਮ ਲੈਣਾ ਡਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੇ ਤੋ ਬਿਸਕਟ ਤੋ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਪੀ ਥੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਮੂਜ਼ੀ ਆ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਐਵੇਂ 49 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਿਤਨੇ 49 अरब रुपए हजरत साहब के खाते च कदे साडे भी अकाउंट चेक करो हैं। हालांकि सुन्नी कसम खुदा दी बगैर गिण के सुट देन साडे उत्ते लेकिन खाते ते चेक करो साडे भी साडियां खातियां च तुहानू पता लगे कि की निकलदा है। साडे कोल कुछ भी नहीं जेड़ा कुछ है असां अलहमदुलिल्लाह हजूर दी गुलामत ने सानू बहुत कुछ दिता है हजूर दे दीन दे सदके दीन ने साडियां नस्लां पालियां लेकिन अकाउंट च सानू अरबा रुपया नहीं लभन गए। तुहाडी मुहब्बत ते तुहाडी मेहनत सर तुहानू साडे कायम कीते हुए मदरसियां दीआं इट्टां ते दीवारां विचों नजर आएगा तुहाडा सरमाया कित्थे हली हली बोला ना है खुशी होएगी तुहानू भी खुशी होएगी थोड़ा जिहा मेहरबानी करदे रहिंदे हो खुशी होंदी है। एवें साबिर अयूब नाल साडा प्यार नहीं है। नौजवान बंदे नू अल्लाह ने कसम खुदा दी बड़ा इखलास दित्ता है बड़ा इखलास दित्ता। मैं कोशिश की मोटरवे की बंदिश की वजह तो क्योंकि अगले दिन भी मैं आना सी तो मोटरवे अचानक बंद हो जाए तो फिर सफर की जितनी सहूलत है उतनी खराबी भी है अचानक फिर माजरत करनी पई मोटरवे तो चढ़ नहीं देंगे हो तो वह अज मैं क्योंकि इन्हें साबिर अयूब साडा भिरा उन्हें कहा तू आ जाना मैं रात में सर्दियाँ सुरदियाँ जाग के आ गया। मैं कह जी मुमकिन है पहले सुबह लेट ना हो जाइए तो जदों आके कम वेखी दे बच्चिया बच्चों का मदरसा वेखी दे दिल बाग बाग हो जाता है। ते सिर्फ साबिर अयूब लई दुआ नहीं निकलदी नाल तुहाडे लई भी निकलदी है कि केडे चंगे लोग हो जिहड़े धीआं पुत्तरां नूं पढ़ा के ते मदरसियां दीआं तामीर नाल बिल्डिंगां उच्चियां करके दस रहे हो कि अलहमदुलिल्लाह असां सिर्फ इस धरती विच जाहिल नात खून पालन वाले नहीं असां मुहम्मद पाक दे दीन नाल प्यार करन हैं। वरना ते माशाअल्लाह फैसलाबाद विच अगले दिन कराची तो एक गवैया उन्हां सद्या है नात खां सी गवैया ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉੱਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਔਰ ਅਹਲੇ ਸੁਨਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਹਿਨੁਮਾ 40 ਸਾਲ ਤਨਹਾ ਮਸਲਕ ਦਾ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਪਾਰਾ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਇਮਾਮੁਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸ਼ੇਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਵਲ ਹਦੀਸ
गैरत हमीयत दी अलामत आबरू इल्म हिकमत हजरत अल्लामा प्रोफेसर मुहम्मद सईद अहमद असद साहब दा मदरसा मकरूज है। ते कुफर वास्ते परेशानी यो है कि तुसा थिरो थोड़ा जिहा अपना तअल्लुक कुरान नाल मजबूत करो, कुफर मरदा चला जाएगा। ते दुआ साडे लई ये करो, अल्लाह सानू चापलूसी तो बचावे, चापलूसी तो बचावे, बस अल्लाह चापलूसी तो बचावे। चापलूसी ना लभदा बहुत कुछ है, लेकिन खुदा दी कसम है तुहाडे ए जड़े ना ओ चापलूसां दी अरबां खरबां दी एड़ तू करोड़ दर्जे बारी। थोड़ा जे होर हौली बोलो, सुनना लवन तवज्जो है ना, असाने थोड़ा जे लौटो वापस फिक्र वल लौटो, केड़ी गल नहीं बड़ा ओदे ते गल के मुकाइए फिर इख्तिताम करिए। हाय कितने अरब निकले ने माशाल्लाह, हौली हौली बोलो, चस नहीं है। ते कौम नु सादगी दा हुक्म, सादगी दा फलसफा, असाने खुदा रा मेहरबानी करो इस मुल्क ते, हक दी गल करो, झूठ तू बचो, सच बोलो ते सच बुलवाओ। इमाम शाफी हंबल मालिक ओदे पैरोकार बनो, तुहाडा कम है अख तक पाके दसना गलती करन वाले नू आखो मियां गलती है चौधरी साहब खान साहब वजीर साहब डीसी साहब मुशीर साहब ए गलती है ए गलत कम है। जदो गलती तू रोकोगे ते कुरान आखरे कुल तुम खैरा उम्मतिन उखरी जत लिन्नासी तामरून बिल मारूफी वतन हौना निल मुनकर। साडे रहनुमा की ने मियां मुहम्मद नवाज शरीफ साहब आख देने के मैं गया कायद मिल्लत नूरानी साहब नु मिलन, ते नूरानी साहब किराए दे मकान च रहंदे सन, किराए दे मकान च, ते अंदे मैं जदों गया ते मुलाकात हुई ते नूरानी साहब मैनू पैंदे सटीए गल कीती, उन्हां कहा मियां साहब ये जेड़े अजकल पीटीवी ते ड्रामे चल रहे हैं तुहानू पता है? मियां साहब आखन लगे जी मैनू नहीं पता। फरमान लगे बड़ा अफसोस है वक्त दे वजीर आजम नू नहीं पता कौमी टीवी ते की नशर हो रहा है, अफसोस है मैनू तेरी फिक्र ते, ते अगर जे तैनू पता है ते जान के भीगी बिल्ली बन रहे तो मैनू मेरी कौम नू बेगैरत समझिए। क्या इस तरह के ड्रामे तू अपनी बेटी मरियम नवाज नाल बह के वेख सकदा है? जे तू नहीं वेख सकदा ते मेरी कौम नू एडा बेगैरत क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये गल मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अज खुद बयान की, मैं अपने कन्ना नाल जामिया नईमिया के कन्वेंशन से मियाँ नवाज शरीफ साहब को सुनी। उन्हें आख्या मैंने इस गल ने तकलीफ नहीं दी, मैंने इस गल ने सुकून दिता। मैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि साढ़े माशरे च ऐसे खुददार लोग मौजूद ने जेडे चापलूसी की बजाय हक बयान कर लगे पसो पेश तो कम नहीं लेंगे, क्योंकि मेहराबो मिंबर की अपनी ड्यूटी है अदा करनी जरूरी है। और मैं पढ़ के सुन के खुशी होती है, अज जदों कोई भी कसम खुदा दी कादियानियां दा चैनल खोलिए ना ते ओ अगू रोंदे हो की आंदे ने सानू समझ नहीं आ रही, असा पाकिस्तान च वजीर खरीदे मुशीर खरीदे जज खरीदे असा जरनल खरीदे असा हर शह खरीदिए, पता नहीं ये मौलवी केड़ी ढीठ मिट्टी दा बने हो है। जदों खत्मे नबूवत दी बात आंदी है हाथ च कड़ियां होवन ते भावें पैरां च बेड़ियां होवन, ये ना चौक वेखदा ना पुल वेखदा ना शहरा वेखदा, अक चक पा के आंदा ताजदार है खत्म। कुफर नू टफ टाइम दो, किवें कुरान ते तालीमात ते अमल करके उन्हों दसीए। आओ इस बजम च वादा करिए झूठ नहीं बोलांगे, हौली बोलो, धोखा नहीं देंगे, घट नहीं तोलांगे, फ्रॉड नहीं करांगे, असा रिश्तेदारां दे हक नहीं सलब करांगे। जदों इस फिक्र नाल जुड़ जाओगे सानू ते कुरान कदम कदम ते रहन, उन्हां नू रोना चाहिए जिन्हां कोल ना कुरान है ना कोई एहतमाम है ना कोई तालीम है, उन्हां कोल ते पता ही कोई नहीं फलाने ये का फलाने ये, सानू भी उदो वट चढ़ दिया जो साडे वक्त दा वजीर आजम या जज जजमेंट देने आंदे खलील जबरान ने ये कहा था इंडिया की फिल्म का डायलॉग ये था फलाने ये का सा क्या वडके मरनी तू कुरान दस नबी दा फरमान दस, फिर जो बाहर के ममालिक से तालीम लेके आते हैं ना उनको आगे का पता ना पीछे का पता, ते जिन्हें लोगों माहौल बदले है दुनिया वेखी उन्हें की आख्या सिंपलिसिटी इज नॉट द मोनोपोली ऑफ कांग्रेस। I am not going to mention the names of Rama and Krishna. They were not historical personalities. I am compelled to mention the names of Abu Bakr and Umar. Padosi mulk India de
बानी कह रहे अपने लोगों नू कैबिनेट दे इजलास च अगर चाहते हो एडमिनिस्ट्रेशन तकड़ी लोगों नाल ताल्लुक ठीक निजामे हकूमत दुरुस्त माहौल बेहतर फिर मूर्तियां नहीं दसनगियां मंदिरों च पए हुए बुत नहीं दसनगे फिर तुहानू यूरोप अमरीका दियां गलियां ते मॉडर्न बीबियां नहीं दसनगियां फिर दो बंदियां नू सामने रखना जिन्हां दी तरबियत मुहम्मद पाक ने की एक दना अबू बकर है एक दना उमर है सादे कपड़िया विच उन्हां दुनिया का निजाम बदल के दसिया है जदों तरबियत मुस्तफा दी होवे शाहकार मुस्तफा दे सहाबा ते आल दी सूरत च उन्हां ते क्यों ना नाज ते क्यों ना फखर करिए कदम कदम ते हीरो हीरे मौजूद ने खुदारा अपनिया खतावां ते अपनिया मिजाज नू ते अपनिया कुताहियां तू सरफे नजर करके इस्लाम दे हीरोज वल तवज्जो करो उमर बिन अब्दुल अजीज हाकिम बने सारी रात केस सुने फजर दी नमाज पढ़ के फिर थोड़ा जा केस सुन के फिर आराम करन लगे ते आप दा बेटा गुजरिया एक बंदे दे मुरझाए चेहरे नू वेख के आंदे तू परेशान बैठा उन्हें क्या कल तो आया वारी नहीं आई अजे हक अमीर ने सारी रात केस सुने ने सुबह भी सुने ने मेरी वारी हुण करीब है मैं उन्होंने जागण का इंतजार कर रहा जदों उठनगे तो फिर उन्होंने अपनी रूप रूदात सुनावांगा सीधा पुत्र जाके आंदा अब्बा जी उठो उन्होंने कहा पुत्र अजे होनी तो सुत्ता उठ के अब्बा जी जेड़ा दूर तू आया तुहाडे इंतजार च बैठा के बच्चे उठ के केस सुनागा अगू पुत्र आंदा अब्बा जी जे उठ ना सके अख खुली ना तो दसो उन्हूं कौन दसेगा इन्नी गल सुनी उमर बिन अब्दुल अजीज उठ के सजदा शुक्र अदा करके आंदे अल्लाह तेरा शुक्र है पुत्र नु हलाल खवाया है ते पुत्र ने पियो नु जहन्नम तो बचावण दा भी हक अदा इस्लाम ऐसा अजीम हसीम मजहब आला दीन है गैरत है बड़ी चीज जहान है तगो दौ में पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरदारा अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा आओ नाज करिए इस्लाम ते फखर करिए इस्लाम ते तारुफ बनाइए इस्लाम नू कसम खुदा दी जदों असा तारुफ रखांगे ना मैं देवबंदी मैं सुन्नी मैं वहाबी मैं शिया मैं पीटीआई मैं नून मैं काफ मैं फलाना मैं ढींगना उदों नहीं बच सकेगी उम्मत ते जदों असी आखांगे ना तारुफ इस्लाम पहचान इस्लाम इज्जत इस्लाम वकार इस्लाम हजरत सलमान फारसी ने पूछा ना की है या के सलमान आके ता इलाका इस्लाम कौम इस्लाम तारुफ इस्लाम खानदान इस्लाम उन्हें के मेरा सब कुछ इस्लाम है जदो सब कुछ इस्लाम हो जाएगा फिर की होवेगा सबक पढ़ फिर शजात का शराफत का शुजात का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की दुनिया की इमामत तेरे कोले अपने किरदार नु ना बदलिया तो डेढ़ अरब तो जायद उम्मत भी किसे कम दी नहीं है किसे कख दी नहीं है उन्हें लपेट चेले है उन्हें मारन दा इरादा कर ले है जदो कुरान शरीफ ते नामूस रिसालत महफूज ना होवे फिर केड़ी शै बचदी है पार्टियां रखो सियासत रखो पीरी मुरीदी रखो उस्तादी शगिरदी खुदारा मुस्तफा दी इज्जत ते कुरान दी हुरमत ते इकट्ठे हो जाओ सब तो बड़ा मसला है नामूस रिसालत अकीदा खत्म नबुवत जिस वास्ते कुफर अजे तक टिल ला रहे है चेक कर रहे है इहदे तहफ्फुज लई मैदान च निकलो और हुणे तुसीं ऐलान सुन रहे सो बरादर मुकर्रम हजरत अल्लामा साबिर अय्यूब दी जुबानी मैं क्योंकि पिछले साल खुद हाजिर होया बड़ी खूबसूरत भरपूर कॉन्फ्रेंस याद रखो किसी का वड्डा जलसा कॉन्फ्रेंस जिस मिशन मकसद नाल होवे उहदा असर बड़ा पैंदा है उहदे असरात बड़े होंदे ते जदों खत्मे नबुवत दा इज्तिमा ज्यादा वड्डे तो वड्डा करोगे ना हुरमत रसूल दा खत्मे नबुवत दा हुरमत कुरान दा उदो कुफर दी बत्तियां गुल हो जांदियां ने समझदे ने कि मुसलमान इस इशू ते इकट्ठे ने और जाग रहे ने कोशिश करो ये ना वेखो जैद आ रहा है कि बकर आ रहा है वो मेरा आलम मेरा पसंदीदा आ रहा है कि फलाने दा आ रहे ये ना वेखो ये वेखो कि इशू की है खत्मे नबुवत की है मैं क्योंकि अलहमदुल्ला 12-15 साल तो सियालकोट असी कर रहे हैं ते मैं अपनी अवाम नू बरमला आख्या मैं जिस दिन तुसा मेरे को पुछया ना कौन खतीब आ रहे है उस दिन मैं इधर मुंह ना करना चलो तुसी आखो फलाना आ रहे है कि नहीं आ रहा मैं इधर ना आना किसी और पासे दफा हो जाना उस दिन मैं आख्या मैं उस कौम नू लित्तर मारन दे काबिल समझांगा जिस दिन कौम पुछेगी फलाना आया कि नहीं आया जिहड़ी खत्मे नबुवत वास्ते नहीं आ सकदी ओनू की लगे किहड़ा खतीब है ते किहड़ा स्कॉलर है सब तो बड़ा इशू खत्मे नबुवत के लिए जो भी बुलाए नामूस कुरान के लिए जो बुलाए खानदान पूरे बाला बच्चिया समेत जाके दसो साडा सब कुछ नबी वास्ते
है कल मैं वेखे एक इमरानी चौखड़ दे एक बंदा बैठा मैं बच्चे भी नाल लैके आया मैं क्या नसीब है हैं क्या नसीब है लेकिन आओ अपने भाइयों नू बच्चियों नू वड्डियों नू भी ताकि वो बच्चा तेरा भी सुने कि असां बचपन तो खत्मे नबूवत सुनते आ रहे हैं और अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है खत्मे नबूवत ते बिजनेस भी लोगों कीते तिजारत भी कीतियां बाहर वफद लैके भी गए माल पानी लैके भी आए अल्लाह अपने महबूब के कदमों की धूल दे सदके इस दौर दे अजीम मर्द कलंदर दी कबर नू बुक्का नूर फरमा के जिन्हें एडे सेंसिटिव हसास इशू नू लिया के एडा आसान मौजू करके एडा आसान मौजू जिन्हें किताबा लिखिया सलाम जिन्हें अदालत दलायल दिते सलाम जिन्हें बार अंदर हजरत जियाउल उम्मत पीर मुहम्मद करम शाह अजरी जैसे कायद मिलत नूरानी जैसे सारे मौलविया नू आलमा नू करोड़ा सलाम पर सलाम उस बाबे नू एडे औखे मसले ते इशू नू हसास नू एडा आसान करके गोल के पिलाया है कि जदो खत्मे नबूवत दा ना आवे साडा निक्का बाल फीडर छोड़ के आंदा है ताजदारे खत्मे नबूवत ए असलाम है इमाम रज़वी ने अल्लाह तुहानु सलामत रखे कड़वियां कुसीलियां गल्लां तुसां मोहब्बत नाल सुन रही हां तुसां मेरे लिए दुआ करो और सारे नेक लोग बैठे हो फिर मेरे लिए दुआ करो तुसां मेरे फिर मेरे लिए दुआ करो अल्लाह तुहानु सारयां नू ते तुहाडा सदका सानू सारयां नू हर पहलू इस्लाम दा हसीन पहलू अपने आप बच्चियां दे अपनियां नस्लां दे दिमाग तक उतार के इस्लाम दा झंडा उच्चा करन दी अल्लाह सआदत तौफीक अता फरमाए कुरान नू कुरान दी तालीमात नू नस्लां तक मुंतकिल करन दी सआदत अता फरमाए अगर कोई कड़वी कुशीली बात तुहाडे दिमाग ते असर कीता होवे उहदे लई माजरत अगर तुहाडे लीडरां ते हुकमरानां दी वजह तों किसी नू तकलीफ पहुंची होवे अल्लाह उहदी तकलीफ च इजाफा फरमावे अल्लाह उहदी पीड़ च बरकत फरमावे माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत और